अक्सा कहाँ जा रही है? चीज लेने के लिए? जी। क्या लोगी? क्या चीज लेनी है? जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। फूल बूटा मुझके भी सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के प्रोग्राम से हम भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार है लापकन कुछ बात आ फरमाए, जो बेलाद लापकन। खेल रहे हो क्या गाड़ी पर? हाँ। अक्सा भी खेल रही है जी। हाँ अक्सा, अब भागो। हाँ। खेल रही हो? हाँ, हाँ? गाड़ी पर खेल रही हो? हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गाड़ी पे खेलना है अक्सा? गाड़ी पे खेलना है? अच्छा, आजा। थक गई अब? मुझे देख दिया तो फिर कह दे मैं थक गई हूं, वरना खेलते रहते। अच्छा, वो बोल रही मुझे उठा लो। उठा लूं? अच्छा आ जा। अभी थक गई है? आपके जुराब है, जूते की तरह बना दिया। अल्लाह हाफिज तो कर दे। अल्लाह हाफिज, आप अल्लाह हाफिज कर दो। चल अल्लाह हाफिज। नहीं ना, लेकर आ चुके हैं, तो आज जना हम बनाने वाले हैं वाट पुलाव। तो पहले जना मैं किचन की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, तो बाद में जना मिसाला वगैरह काटूंगी और जना किचन में सामान वगैरह रेडी करूंगी। सामान जरा सारा रेडी कर दिया और किचन की सफाई जरा मैंने पहले कर दिया था। हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, सारी चीजें आ चुकी हैं और पानी भी भर के आ चुके हैं। चावल भी हमारे ये देखे आ चुके हैं, एक मुगरा बड़ा, और उसके बाद घी, लाल मिर्ची। डेढ़ किलो का एक बना है? हाँ, ये है एक। अच्छा, हाँ सही। और अब जरा मसाला वगैरह काटना स्टार्ट करती हूँ। ये सब धनिया और जना प्याज है, शायद सब दुकान से ले आए, ये जना हमारे फ्रिज में रखे थे। हरी मिर्ची और टमाटर, शुक्र है माचिस नाल भी। आपको पता बताया था ना मैंने, कहा एक जगह बनाओ माचिस की, तो जहाँ रखा फिर वहाँ से उठाया जी। अब मैं यहाँ जगह बना दी, पक्की पक्की यहाँ रख दूंगी। सही, पहले वहाँ रखती थी इसके और चूल्हे के उसमें सुराख में। अच्छा, तो वहाँ जो है ना बच्चे लोग उठा जाते थे। अच्छा, अब ऊंची रखती हूँ, किसी का हाथ नहीं पहुँचता। सही। हाँ, मसालों से आग जो है ना हमारी अच्छी खासी जल चुकी है और दाल उसे सरिया वगैरह भी मैंने चुन लिया है। तो आप जो है ना मसाला वगैरह भूनते हैं और जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। आग अच्छी खासी जला ले, कुछ मोटी लकड़ी डाल दो, बाद में जो है पकाऊंगी खाना। देखती तो आप लेके नहीं आई। लेके आती अभी। देख लो, मुझे कैमरे में नजर आ गया कि आपको क्या चीज कमी है। देखती टोकरी जो भी सामान था, कोई चीज भी आप नहीं ले आई। देखती चम्मच और थाली बना रही हूं।
अच्छा। मेन चीज अंदर रखी है, पता नहीं बनाओ किस चीज़। वो अंदर नहीं रखी हुई, वो छोटी है, बड़े वाले हैं। अच्छा तमाशा से देख के को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आप जन इसमें दिया करते हैं, देखो थोड़ा सा गरम कर लेते हैं तो काम करूंगी। जमा हुआ है, मुझे पहले पता चल गया, ढकना नहीं खोला। अच्छा असल में सर्दियों की वजह से जम जाता है ना। अब कुछ खा ले रहे हैं, घी काम है। तो मसल से घी जो है ना हमारा ऐड हो गया, इसे अच्छे तरीके से गरम करते हैं तो बाद में इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो अभी जी ऐशा ने जो है देगची उतार ली है, क्योंकि घी जो है कम था, तो सात भाई को मैंने भेजा है कि वो जा रहा है घी लेने के लिए जी। तो अभी ऐशा ने घी डाला तो उसने बोला कम है। हाँ काफी ज्यादा कम था। अच्छा फिर ग्रेवी की तरह चावल बन जाता। हाँ लेट ही हो जाते। हाँ। चावल क्योंकि घी भी होता तो फिर वो आपस में चिपक जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। ये तो आपको पता होना चाहिए था ना। नहीं पहले मैंने नहीं देखा ना, मैंने अभी देखा। अच्छा। सुबह मैंने रखा था पाव वाला, आधा डाला था आधा रखा था। अच्छा इसलिए मैंने कहा पूरा होगा शायद। अच्छा अभी अभी तब पता चला वो तो कम है। अच्छा चलो साथ गया हुआ है, अभी अभी ले आता है, फिर जो है अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट कर दो जी। जब तक आप आग भी जला लोगी सही तरीके से घी हाँ। भी इंशाल्लाह आ जाएगा जी। अक्सा कहाँ जा रही है चीज लेने के लिए जी। क्या लोगी क्या चीज लेनी है? जाओ फिर उधर से ले आओ, दुकान से जाओ जाओ, भागते हुए जाओ वहां से चीज लेके, मुझे देना ठीक है, मुझे दोगी अक्सा? ठीक है जाओ ले आओ फिर देना। और साथ जो है घी लेकर आ चुका है, ये साथ में क्या लाए हो? ये बर्तन। अच्छा मसल से घी हमारा आ चुका है, आधा जना जहाँ ऐड करते हैं चावलों में तो आधा जना रखेंगे। वाकई में कम था, मैंने कहा चेता आप झूठ बोल रही हो। नहीं वैसे ज्यादा कम था, फिर चावल अच्छे नहीं बनते ना। अच्छा हाँ तो इसलिए मैंने कहा मसाला तो कुछ भून जाए। सही है चलो अच्छा किया आपने जल्दी से बता दिया है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेढ़ किलो चावल है तो उसमें घी तो पड़ेगा ना, एक पाव घी तो बनता है। हाँ। हाँ। तमाशा घी गर्म हो चुका है, आप जो है ना इसमें हरी मिर्च और जो है ना प्याज बिस्मिल्लाह रख लेंगे। मसल से हरी मिर्ची और प्याज जो है हमारे ऐड हो गए हैं, आप जो इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं तो बाद में जरिए इसका कलर जल जो लाल हो जाएगा तो बाद में इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची, नहीं लाल मिर्ची। घी के ध्यान में बैठी थी मैं। अच्छा हाँ अब घी अच्छा अब सही अभी है भी घी वाली सोच में पड़ी हुई हो? हाँ घी आप मुझे लगता है ठीक है। अच्छा हाँ मसाला भी लगता नहीं है, अभी डाला है तो ठीक है ना। हाँ डाला है तो ठीक है। ऐसे कैसे आपको ठीक लगता? हाँ वैसे पहले जो घी था ना मैं जब मसाला डालती तो वो तो सारा चिपक जाता मसाला। हाँ। अच्छे तरीके से नहीं भूनता, घी कम था ना फिर कैसे मसाला भूनता, इसलिए मैंने कहा जल्दी से दुकान वाला बैठा है तो घी ले। हाँ फिर वो मगरिब के टाइम चला जाता है ना दुकान वाला। हाँ। इसलिए बहुत सियाणी हो तुम, शहर है तो शहर में हो तो फिर जाना रात को दुकानें खुली रहती है, तो देहात है मगरिब को दुकानें बंद हो जाती है, रात हो जाती है मगरिब को, हर बंदे को घर जाना होता है जी। हर दुकान वाले को हाँ। तो उनको जल्दी होती है, उनको जल्दी थी तो है तो हमें भी जल्दी थी, हमने कहा जल्दी से ले आए वो चला ना जाए।
माशाल्लाह से हरी मिर्ची और टमाटर प्याज जो है हमारे कुछ ग्राउंड हो चुके हैं। अब जो है इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटरों का कलर कैसा है? टमाटर कच्चा है। अच्छा, कच्चे वाले टमाटर बचे हुए थे जी। सारे अच्छा, दो कच्चे रखे थे, एक ले आई हूं और जना एक खाया। अच्छा, तो माशाल्लाह से टमाटर भी हमारे ऐड हो गए हैं। अब जना इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करते हैं। लाल मिर्च नहीं है उस टाइम बताती हो जब जो है ना एन मौके में बता दिए। अभी साथ कहाँ चला गया? हाँ साथ, अक्सर चीजें ले ली है जी। क्या क्या लिया है? चॉकलेट वाला चम्मच, चॉकलेट वाला चम्मच लिया है, ये खोल दे चम्मच है। अच्छा, दुकान पे जाओ उससे मिर्ची ले आओ आधा पाव लाल, जाओ अक्सा को बैठा दो वहां पे चार पाई पे। अक्सा को चीनी खोल के दे दे, वो खेलती रहेगी। हाँ जी, ये एक चॉकलेट लिया था और एक पापड़। हाँ, पापड़ ज्यादा खाती है। सुबह मैंने चॉकलेट लेके दिया, मैंने कहा कुछ चॉकलेट खाएगी, ज्यादा पापड़ नहीं देना। हाँ, तो चॉकलेट मसाला से कुछ खा रही थी, मीठी थी ना वो, उसको हाँ, अच्छी लग रही थी। वो कुछ सख्त है, हाथ में चम्मच बना हुआ है और हाँ, जना वो हाथ में पकड़ा जाता है, खाती रहती है। हाँ जी, हाँ। भागते हुए जाओ, जल्दी से ले आना। मैं सबसे बच्चा मिर्ची जना लेकर आ चुका है, तो आप जने से ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान लाल मिर्ची भी हमारी ऐड हो गई है। अब जने से अच्छे तरीके से भूनते हैं, तो बाद में इसमें डालेंगे पानी, फिर हमारा बन जाएगा बड़ा बड़ा शोरबा। कैसी लगी? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। तो माशाल्लाह से इसे अच्छे तरीके से भून के, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड, थोड़ा सा नहीं, चावलों के लिए पानी ऐड करते हैं, तो बाद में जो है चावल भून जाएंगे। तो माशाल्लाह से मिसाला हमारा अच्छा खासा भून चुका है, उसमें जो है ना हमने पानी ऐड कर दिया है। तो हमने सोचा जब तक पानी उबलता है तो हम जाते हैं चावल वगैरह धो के आते हैं। यहाँ पे बैठा साद, साद जो है ना आग जलाएगा, तो हम जो है ना चावल वगैरह धो के, साद अभी अभी आए ठीक है, आग ज्यादा जलाना, पानी उबल के बाहर आ जाए जब तक हम चावल धो के आते हैं, जब तक नहीं देता। जोर से मसलो, जोर से। हाँ, वैसे है तो अपने बने हुए, इतना इसमें वो नहीं होगा आटा, लेस लेस होती है इसमें चावलों में। ये तो खुशबू वाला चावल है, खुशबू खुशबू। मसाला से चावल जो है ना हमारे ऐड हो गए हैं। आप फिर इसे अच्छे तरीके से पानी सुखा के, तो जब जो है दम पे आ जाएंगे, फिर फिर ऐसे लगाएंगे दम, तो माशाल्लाह से चावलों को जो है ना हमने दम लगा दिया। तो हमने सोचा बाहर जाते हैं, प्यारे बहन भाइयों को भी बाहर का व्यू दिखा देंगे, विजिट करा देंगे, और जो है ना हम भी बाहर का व्यू देख लेंगे। काफी दिन हो गया है हम नहीं आए, तो आप चलते हैं बाहर का, यहाँ से चलो, यहाँ से, यहाँ से। हाँ, क्योंकि हमने प्याज उगाए थे वो भी देखने हम नहीं आए थे जी। और कस्सी में पानी आ गया, हाँ, वो नहरों वाला पानी नहीं होता जी, वो भी आ गया है। वैसे हमने लगाना तो है बरसीन में। हाँ, हमारा बारी बारी होता है ना, हमारी जब बारी होगी हम लगाएंगे। पहले वैसे बहुत चलाते हम, तो अब पानी आ गया है ना। हाँ, तो पहले लगा के खाद मूल लेके फिर देना, डाल देंगे जल्दी से, घास हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, जब तक हम गाय लेंगे ना, हाँ, तो हमारा घास रेडी हो जाएगा बिल्कुल जी।
तैयारी तो कर रहे हैं, गाय अच्छी मिल रही थी वरना हमारे पास पैसे नहीं थे। हाँ जी, जहाँ पे सारा लहसुन उगाया था तो वो कहाँ गया? वो आगे था, वो वहाँ पे है। हाँ वो है। हाँ मसल से लहसुन वैसे हुआ पड़ा है। हाँ ये देखो प्याज भी हमारा कुछ उठ गया है। अभी जब पानी लगाएंगे, उस दिन जब हमने उगाया था ना उस दिन सोए हुए थे। हाँ। अभी जो है उठ गए हैं जी। ये देखें, अभी मैंने उगाया सारे पोठे के अंदर भी उगा दिया है और जरा बाहर भी, बीज ज्यादा बच रहा था ना। अच्छा। तो मैंने सारे जना उगा दिया। मैंने कहा कच्चे कच्चे जब होते हैं ना। हाँ। मसाला भूनने के लिए तोड़ते हैं। अच्छा ये। हाँ। फिर बीच में आपने उगा दिया था सारे इसके? अच्छा ये सारे मैंने उगाया था और बहुत सारे भी उगाया था, उसके अंदर भी आधा में उगाया था, कुछ पोटे हैं उसके आधा में जो है ना उगाया था। अच्छा दो हफ्ते बची थी ना बीज की। अच्छा तो वो उगा दिया था हमने, ऐसे तो वो खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। हाँ। तो उगा दे फिर कच्चे कच्चे तोड़ के जो है मसाला बनाएंगे। अच्छा। हाँ। ये भी सोच आपने कर ली है जी? अच्छा वैसे पहले भी जब उगाया था तो उस टाइम भी एक हफ्ती बच गई थी। अच्छा तो उस टाइम भी हमने उगा दिया था, फिर वो कम पड़े थे ना। अच्छा तो फिर हमने सोचा आप जरा कुछ ज्यादा उगा देते हैं। अच्छा जी चलो। हाँ अच्छी बात है जी। पत्ती कहाँ से तोड़नी है? पत्ती वहाँ से, हरी वाली। हरी वाली वो ठहरी है सामने। अच्छा वहाँ से तोड़ते हैं। हाँ रात को कहवा बनाएंगे फिर हरी पत्ती वाला जी, उसमें इलायची भी डालेंगे, सौंफ भी डालेंगे जी, और काली मिर्ची भी डालेंगे, और उसके बाद वो एक सब पत्ता होता है सफेदे के पत्ते की तरह। हाँ वो भी नजले का तोड़ है वो, पता नहीं क्या होता उसका, किस उसका क्या नाम है उस पत्ते का? उस पत्ते का नाम नहीं आता मुझे। हाँ। वैसे शक्ल ऐसा है जैसे सफेदे का पत्ता। मैंने जब मसाला खोला, वो सारी चीजें खोला, मैंने कहा ये पत्ता सफेदे का क्यों डाल दिया है? अच्छा कोई और चीज का पत्ता होता है वो? नहीं अम्मी जी हमने बोला ये जो है ये भी मसाले के साथ भाई है ये भी डाला जाता है सालन में। अच्छा उसका। हाँ, भाई है। हाँ। इसलिए जरा मैंने कहा चलो सही है मैं रख देती हूँ, फिर जो ना खांसी हुई पड़ी है ना, वो बड़े लोग जैसे पहले कहवा बना के पीते थे। हाँ। हमें जो ना सुबह बताया था कि वो कहवा बना ले खांसी खत्म हो जाती है, काली मिर्ची और जो ना वो पत्ता सफेदे वाला, और उसके बाद लौंग होता है उसमें मसाले में। हाँ। और छोटी पत्नी बड़ी इलायची कहते हैं। अच्छा। वो भी उबाल के। हाँ। तो कहवा एक बना के पी ले। हाँ। तो आधा आधा कप खांसी का एक टेक इलाज है। अच्छा तो हमने सोचा तो थोड़ी सी पत्ती भी डाल देते हैं ना। अच्छा तो फिर जो ना अच्छा खासा हमारा कहवा बन जाएगा। अच्छा जी हम तो कहते हैं गला सही हो जाए बोलने के लिए फिर मसला होता है। सुबह तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ यही तो बात है ना, सुबह ज्यादा बोले तो फिर ऐसा लगता है जैसे गला घूट रहा है। अच्छा। आवाज भी नहीं निकलती, ठंड होती है ना। अच्छा हाँ चलो अभी उस कावे का जो तोड़ है। हाँ। उसको तोड़ो फिर चले जी। हाँ जी चलते हैं। चावलों को वहाँ दम लगाया कहीं वो देगची को ना चिपक जाए? नहीं मैंने वो एक दफा दम लगा के और उसको जो है ना चम्मच लगा के आई है। हाँ मैंने सोचा दूसरी बार चम्मच लगा लूँ जब तक मैं आऊंगी ना ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा हाँ। अल्लाह करे प्याज जल्दी हो जाए हमारे फिर सलाद बनाएंगे। अच्छा हाँ सलाद के लिए ज्यादा काम आते हैं। अच्छा अगर सलाद ना हो तो अच्छे नहीं लगते। बड़ी बड़ी सोचे हैं आपकी मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह पाक हमें ये सोच जो है ना पूरी करेगा हमारी। अच्छा सही है जी। ये ठहरी है जी पत्ती, हरी पत्ती जो है सबज कावा पीते हैं ना उसका हमने बूटा उगाया हुआ है। बूटा कैसे हो गया कितने बड़ा? सर्दियों की वजह से ये अभी थोड़ा वो हो गया है। हाँ ये जब सर्दियां हटेंगी फिर देखना ये बड़ा बूटा हो गया, जैसे उसका नहीं होता ज्वार का बूटा घास का जी। ये वैसे हो जाएगा। हाँ। वैसे जो हमने पहले उगाया क्योंकि काफी लोग जो है वो करते है ना लेते हैं पत्ती हरी कावा पीते हैं, वो यही पत्ती होती है ये, इसका पत्ते जब सूख जाते हैं ना फिर वो बना के डिब्बे में रख देते हैं। हाँ। फिर जो है ऐसे ऐसे डाल डाल के पीते रहते हैं। कराची गए थे। हाँ। सब अहमद को लेने के लिए तो आप कहवा लेकर रहे थे, ये सब्ज पत्ती वाला था मुझे लगता है, आधा नींबू भी डाला हुआ था। हाँ सर में दर्द अदरक भी डाली हुई थी। हाँ इतनी काफी है? काफी है तो काफी है। हाँ इतनी काफी है। हाँ ताजा ताजा तोड़, हम तो ताजा तोड़ के डालते है ना जी। हाँ सही है इतनी काफी है चल जाएगी। अच्छा हाँ तीन चार पहले तो सारे बनाएंगे, आधे पहले आ जाएगा यही काफी है। अच्छा हाँ
चलो जैसे आपको अच्छा लगे जी। चलें जी अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, अभी घर जाके आप बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, काम होगा इंशाल्लाह, रहना है हमारे साथ साथ। ओके जी, आपके साथ रहते हैं, ये हमारे घर होते बहुत अच्छे लगते हैं। घर उगाएंगे हाँ। अभी ये जो जमीन है यहाँ से हम उठवानी है मट्टी जी, वो जो खड्डे हैं सारे हाँ। ये जब गंदम खत्म होगी ना जी, तो यहाँ से रास्ता बनवाएंगे ना, यहाँ से जी। ये यहाँ से रास्ता बनवाएंगे सीधा वहाँ घर की तरफ हाँ। तो ट्रैक्टर ट्राली बुलवाएंगे और सारी यहाँ से मट्टी उठवा के घर पे डालेंगे, जितने भी खड्डे हैं अच्छी अच्छी बूटे भी उगाएंगे, फूल वाली और जाना तेरा तेरा चूल्हा भी मैं बनाऊंगी हाँ। अभी वहाँ वैसे भी खड्डे लगे हुए, दूसरा हम चूल्हा भी नहीं बना सकते, अभी सर्दियाँ हैं ठंड हाँ। बहुत ज्यादा है जी। सब बच्चे बड़े बीमार हैं, फायदे हैं ना तो हाँ। हम बनाए तो कैसे बनाए, फिर वो ऊपर से गिरे हमारा छमना खत्म, हमारी मेहनत चट हो जाएगी हाँ जी, इसलिए हम नहीं बनाते, मेहनत करते सही है हाँ। यहाँ जब ब्रांच डलवाएंगे ना न्यू तो फिर जाना बनाएंगे हाँ जी, प्यारा प्यारा चूल्हा भी बनाएंगे और जाना सारी चीजें उगाएंगे बहुत ही प्यारी इंशाल्लाह हाँ जी, जब बनाएंगे अल्लाह पाक आपकी सोच कबूल करे आमीन। चलें फिर जी, आप चलो। चलो जी, चलते रहो चलते रहो। क्या बोला? मैंने कहा चलते रहो चलते रहो। चल तो रहे हैं, ऐसा 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 चल रहे हो हाँ। भाग रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आप भाग रही हो नहीं। मैं शायद से जो है पहले पहुंच जाऊं घर। नहीं, मुझे किस चीज की जल्दी है, क्या चाहूंगी जल्दी मैं पहुंच जाऊं, खाना तो मैंने दोपहर को खाया था वैसे। अच्छा हाँ। अभी मतलब आपको भूख नहीं है? नहीं, मैं खाऊंगी तो तकरीबन रात के 10 या 11 बजे। अच्छा हाँ, अभी भूख नहीं है। चलो जी।